हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इंट्रोड्यूस वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द स्टोमेटा तो स्टोमेटा के बारे में हम आज के ये वीडियो लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे कि जो स्टोमेटा स्पेशली प्रेजेंट होते हैं प्लांट के अंदर तो जो प्लांट स्टोमेटा जो हम कहते हैं उसके बारे में हम डिटेल में ये वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे बिकॉज़ ये टॉपिक है वो काफ़ी आईएमपी टॉपिक है हर साल अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर स्टोमेटा में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो सभी पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि लाइक व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस टोमेटा उसके डिटेल क्लासिफिकेशन उसके बाद जो स्टोमेटल इंडेक्स है उसमें से भी क्वेश्चन निकलते हैं एंड वेरियस टाइप्स ऑफ स्टोमेटा और उनके एग्जाम्पल तो शुरू करते हैं आज के वीडियो लेक्चर में तो सब्सक्राइब करिए फार्मारोक्स का चैनल फॉर अपडेट ऑफ योर नॉलेज रिगार्डिंग द फार्मा ऑल्सो प्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स गेट द लिंक्स ऑफ फार्मारॉक्स एप इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स नेक्स्ट एक्सेस द वेरियस स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड द वीडियो लेक्चर टू गेट द फैसिलिटीज ऑफ टेस्ट सीरीज क्चर एंड स्टडी मटेरियल ऑन फार्माइड ऑन गूगल प्ले एप ऑन एप स्टोर तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट स्टोमेटा तो यहाँ से ही एक क्वेश्चन व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए प्लांट स्टोमेटा तो स्टोमेटा आर सेल स्ट्रक्चर स्टोमेटा क्या है तो एक टाइप के सेल ही है और उनका जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे होता है तो इन द एपिडर्मिस ऑफ ट्री लीव्स कि जो लीव्स हम देखते हैं किसी भी प्लांट के वो लीव्स के एपिडर्मिस के अंदर वो लीव के या फिर वो लीव्स या फिर लीव के एपिडर्मिस के अंदर ये स्टोमेटा जो है वो प्रेजेंट होते हैं तो लीव्स या फिर लीव आपका हो तो उसका जो एपिडर्मिस का जो पोर्शन होता है वहां पे ये स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं एंड निडल्स दैट आर इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो जो स्टोमेटा है वो किसकी प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है तो एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यहां पे हम देख सकते हैं कि सीओ टू जो है वो ओपन स्टोमेटा के थ्रू ये लीफ के अंदर एंटर हो रहा है एंड फिर एच टू ओ जो है वो रिलीज हो रहा है एज वेल एज उसके साथ ऑक्सीजन और उसके बाद ये स्टोमा जो है वो क्लोज हो जाता है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कह सकते हैं स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बिटवीन द प्लांट एंड द एटमॉस्फेयर तो इसी के कारण देखो कि जो काफ़ी सारे जब पेड़ लगाए जाते हैं प्लांटेशन किया जाता है तो उसके कारण जो हमें हवा मिलती है वो काफ़ी क्लीन मिलती है बिकॉज वो एरिया में रहा जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो ये प्लांट या फिर जो ट्रीज़ हम जो लगाएंगे वो यूटिलाइज करेंगे और सामने वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज़ करके वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज करेंगे ऑक्सीजन एंड ऑल्सो द वाटर तो वाटर रहेगा इन फॉर्म ऑफ मॉइस्चर जिसके कारण वो एरिया के अंदर प्रॉपर मॉइस्चर भी बना रहेगा एज वेल एज ऑक्सीजन की जो आपको प्योर ऑक्सीजन भी मिलेगा कि जिसके कारण आप काफ़ी अच्छी ताजी हवा जो है वो ले सकेंगे तो ये है बेनिफिट्स ऑफ द प्लांटेशन एज वेल एज कि जो प्लांट्स टोमेटा का जो फंक्शन है कि उसका जो मेन काम है कि वो इन्वॉल्व होते हैं एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बिटवीन द प्लांट एंड एटमोस्फियर के कारण कहा जाता है कि जितने आप प्लांटेशन करोगे इतनी हमें काफी अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा एज वेल एज जो पॉल्यूशन के रूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो फैलता है एटमॉस्फेयर के अंदर उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं तो प्लांट स्टोमेटा कि यहाँ पे जो हम डायग्राम में देख रहे हैं कि स्टोमा ओपन ये वाले में कि ये जो स्टोमा है ये ओपन है तो वहाँ से फिर जब ये ओपन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीफ उसके अंदर इंटेक करता है एंड जब ये क्लोज हो जाता है तो जब वो एच एंड ऑक्सीजन उसमें से कंप्लीटली रिलीज करता है उसके बाद वो प्रॉपर क्लोज हो जाता है तो जैसे हमारे बॉडी के अंदर जैसे हम ब्रेथिंग करते हैं तो हमारे रेस्परेटरी ट्रैक जो स्पेशल इन्वॉल्व होता है ब्रेथिंग के अंदर कि ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट कि जो हम ब्रेथ इन करते हैं सांस अंदर लेते हैं एंड सांस बाहर निकालते हैं तो सेम लाइक दैट ये प्लांट भी ऐसा ही काम करते हैं सी ओ टू उसके अंदर लेते है, हैं एंड ऑक्सीजन बाहर निकालते जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोसेस है कि वी टेक द ऑक्सीजन कि इन ह्यूमंस इन ह्यूमन वाइल इन प्लांट तो टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड वाइल कंप्लीटली द रिवर्स इन प्लांट दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज द ऑक्सीजन और ये जो ऑक्सीजन जो हम रिलीज करते हैं प्लांट uh, जो रिलीज़ करता है वो हम यूज़ करते हैं एंड हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो प्लांट यूटिलाइज करते हैं तो समझे कि ह्यूमंस एंड प्लांट के बीच में जब इक्विलिब्रियम्स होगा तो ऑक्सीजन्स के अमाउंट भी काफ़ी अच्छी बनी रहती है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड भी यूटिलाइज होता है एंड पॉल्यूसन कंट्रोल में रहता है एंड प्रॉपर आप सभी को अच्छी एंड ताजी हवा जो है वो मिलती है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ह्यूमंस के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है बट दूसरे भी बहुत सारे ऐसे यूनिट्स से, इंडस्ट्रीज वगैरह है वहीकल्स से कि जिससे भी कार्बन डाइऑक्साइड हवा में फैलता है तो हम जो पॉपुलेशन जो है वो ह्यूमंस से भी डबल या थ्री तीन गुना प्लांट्स जो है हमें खास लगाने चाहिए कि जिसके कारण जो कंट्रोल कर सकते हैं हम पॉल्यूशन को तो ये है साइंटिफिक रीज़न कि किस तरह से आप ये कंट्रोलिंग कर सकते हैं कि यह है मेन रीज़न बिकॉज प्लांट्स के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेते हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज देते हैं तो ये बेनिफिट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम प्लांट लगाएंगे तो जो भी एनवायरमेंट में रहा कार्बन डाइऑक्साइड है वो यूटिलाइज होगा एंड सामने प्रॉपर अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन जो है वो एटमोसफियर के अंदर बना रहेगा और जो इक्विलिब्रियम हम कहते हैं कि जो पृथ्वी का संतुलन बना रहता है वो बना रहेगा बिकॉज भगवान ने ही इस तरह से प्रॉपर रचना की हुई है और उसके अंदर हम कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब यहाँ पे हम साइंटिफिक रीजंस भी समझते हैं तो काफ़ी हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं कि यहाँ पे अब आप देखोगे कि

वो क्या करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उनको उसके लिए जरूरी है ऑक्सीजन और वो ऑक्सीजन हम लेते हैं ब्रेथिंग है के थ्रू प्लांट ऑल्सो ब्रेथ बट दे डू इट थ्रू टाइनी ओपनिंग्स इन द लीव्स कॉल द स्टोमेटा कि जैसे हमारे बॉडी के अंदर भगवान ने दिया है रेस्पिरेटरी ट्रैक और रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर एयर का जो इनलेट है वो कहाँ से है हमारे नोज से है कि हमारे बॉडी का ऐसा स्ट्रक्चर कि जिसके कारण जो एयर है वो हमारे बॉडी के अंदर जाती है ऑक्सीजन हम लेते हैं तो वो है नोज वैसे ही प्लांट का जो नोज है कि प्लांट के अंदर जो नोज का जो काम करता है तो वो है स्टोमेटा तो ये जो स्टोमेटा है उसका हम जब स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है बिकॉज दे आर वन टाइप ऑफ सेल और सभी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होते हैं फिर क्लोरोप्लास्ट भी उसके आसपास पास होते हैं ये जो हम देख रहे हैं ये वाला पोर्शन ये है उसकी वैक्यूअल येलोवस वाली फिर गार्ड सेल होते हैं एंड सेल वॉल कि ये कंप्लीटली ग्रीन कलर का जो डार्क पोर्शन की जो अभी मैं ये कवर कर रहा हूँ तो ये है उसकी सेल वॉल ये वाला जो अंदर येलो वाला पोर्सन है उसकी वैक्यूअल है फिर वैक्यूल एंड सेल वॉल के बीच में एक गार्ड सेल है ये ग्रीन कलर के ये जो हम देख रहे हैं डॉट्स वो सब है उसके क्लोरोप्लास्ट एंड ये पर्पल कलर का जो हम देख रहे हैं वो है न्यूक्लियस तो स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज टू अलो द इंटैक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन के ये जो स्टोमा है वो सी ओ टू लेता है एंड रिलीज करता है ऑक्सीजन तो ये इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग द स्टोमेटा द स्टोमेटा आर माइनेट ओपनिंग्स यूजली फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स एज इन डिजिटलिस एंड सेना तो ये पॉइंट आपको खास अब समझना है इंपॉर्टेंट है कि ये है हमारे पास कोई लीफ ये लिफ्ट का जो ओपनिंग है और उसको लिखा गया है माइनेट ओपनिंग यूजली फाउंड इन कि ऐसे नहीं कि ये स्टोमेटा सिर्फ लीफ के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं लीफ के अलावा भी कहाँ कहाँ पे ये स्टोमा प्रेजेंट होते हैं वो हम देखेंगे तो लिव्स एज इन डिजिटालिस एंड सेना कि जैसे डिजिटालिस और सेना के अंदर होते हैं और ऐसे भी बहुत सारे प्लांट्स है कि जिसके अंदर उनके लीफ के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं वो स्टोमेटा फिर इन यंग ग्रीन स्टेम इन यंग ग्रीन स्टेम एज इन कि जिसको कहा जाता है सुंकेन स्टोमेटा और ये जो है वो एम सी क्यू ने अंदर पूछा गया है कि सुंकेन स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोविंग तो दे आर प्रेजेंट इन ए स्टेम ऑफ एफेड्रा प्लांट की जो एफेड्रा जो प्लांट है उसके यंग ग्रीन स्टेम्स के अंदर ये सुकेन टाइप के स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं उसके बाद इन फ्लावर एज इन क्लव कि जैसे क्लव के अंदर फ्लावर के फॉर्म में एंड फाउंड इन एपिडर्मिस ऑफ फ्रूट एज इन फेनल एंड ऑरेंज पिल ऑरेंज पिल एंड जो फ्रूट होते हैं उसके एपिडर्मिस के अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं तो ये है प्लांट स्टोमेटा के जिसको कहा जाता है माइनट ओपनिंग यूजली फाउंड इन द एपिडर्मिस तो ये दो पॉइंट आपको खास याद रखने हैं और ये जो स्टोमेटा वाला तो आपको कभी नहीं भूलना है ये पॉइंट खास आपके रिकॉर्ड बुक के अंदर नोट डाउन कर लीजिए यंग ग्रीन स्टेम्स और एफेड्रा तो सुन टाइप के स्टोमेटा उसके अंदर फिर जो क्लव होता है उसके फ्लावर्स के अंदर एंड फैनल एंड ऑरेंज पिल के फ्रूट्स के अंदर भी उसके एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा जो है वो पाए जाते हैं और लीफ का तो हमें पता ही है डिजिटलिना से नंबर ऑफ ऑप्शन से तो दिस ओपनिंग्स आर सराउंडेड विथ अ पेयर ऑफ किडनीप्ड सेल कौड़े गार्ड सेल अब ये अच्छे से आप समझिए कि कौन सा सेप यहाँ पे लिखा है किडनी सेप सेल किडनी के सेप के जो सेल जो है और वो कौन से तो यहाँ पे है गार्ड सेल हियर की जहां पर मैं मार्किंग कर रहा हूँ कि गार्ड सेल तो गार्ड सेल है उसका जो आप देखोगे तो जैसे किडनी का जैसे शेप होता है सेम वैसे ही सेप के ये गार्ड सेल होते हैं द टर्म स्टोमा इज ऑफन अप्लाइड टू द स्टोमेटल अरेंजमेंट विच कंसिस्ट ऑफ ए स्लीट लाइक ओपनिंग अलोंग विथ द गार्ड सेल कि आप जो देख सकते हो यहां पे स्टोमा फिर यहां पे भी ये जो पोर्सन है वहां पे भी आप नीचे का जो डायग्राम है वहां पे भी स्टोमा जो है वो देख सकते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है कि ये जो ओपन हो रहा है कि जिसको हम कहता है दिस इज द ओपनिंग दिस इज द ओपनिंग तो ये जो ओपनिंग है वो बनता है स्टोमेटा और उसके अंदर पैर होती है ये खास पैर ऑफ किडनी सेप सेल्स कॉल अ गार्ड सेल तो विच आर द सेप ऑफ द गार्ड सेल इज विच ऑफ द फॉलोइंग दे आर किडनी सेप सेल के जैसे किडनी का जैसे सेप होता है सेम के ये गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं उसके अलावा प्रेजेंट होते हैं सबसाइडरी सेल तो व्हाट इज सबसाइडरी सेल कि जो गार्ड सेल को जो कवर करने वाले जो दूसरे सेल है उसको कहा जाता है सबसाइडरी सेल द एपिडर्मल सेल सराउंडिंग द गार्ड सेल आर कॉल नेबरिंग सेल और सबसाइडरी सेल के गार्ड सेल के आजू बाजू भी दूसरे सबसाइडरी सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं जिनको हम नेबरिंग सेल भी कहते हैं एज वेल एज उनका जो दूसरा नाम है एपिडर्मल सेल कि एक टाइप के एपिडर्मिस में ही ये स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और स्टोमेटा जो बनता है वो बनता है दो गार्ड सेल के और दो गार्ड सेल जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और यहाँ पे क्रिएट करते हैं हॉल या फिर दूसरे वर्ड में कहे तो स्टोमेटा और ऑल्सो वी कॉल इट ए ओपनिंग तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम है उसका समझो कि हम लेबलिंग करते हैं तो ये सेंटर में जो ब्लैक कलर का जो पोर्शन है वो कहा जाएगा स्टोमा फिर ये वाला जो ग्रीन कलर के जो दो सेल है कि ये वाला और ये दोनों है गार्ड सेल कि सिर्फ मैं यहां पे जी लिखता हूं और फिर ये वाले जो सेल है कि जो मैं अभी पॉइंटिंग कर रहा हूं तो ये कहे जाएंगे सबसाइडरी सेल तो अब समझो कि मैं जस्ट लेबलिंग इस तरह से करता हूँ तो ये कहे जाएंगे सबसाइडरी सेल कि ये जितने भी आसपास ये है दिस ऑल आर सबसाइडरी सेल फिर ये जो है वो गार्ड सेल है एंड बीच में जो है ओपनिंग उसको हम कह सकते हैं स्टोमा तो इस तरह से तैयार होता है प्लांट का स्टोमेटा तो उसके जो अलग अलग टाइप्स के जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं मोस्ट आई तो सबसे पहले डायसेटिक और कैरिनोफाइलस स्टोमेटा की जिसको कहा जाता है क्रॉस सेल स्टोमेटा सेकंड है एनिसोसाइटिक जिसका दूसरा नाम है क्रूसीफेरस क्रूसीफेरस स्टोमेटा और एनीसोसाइटिक जिसको अनइक्वल सेल टाइप के स्टोमेटा के नाम से भी जाना जाता है थर्ड है एनोमोसाइटिक और रानुन क्यूलासियस टाइप ऑफ स्टोमेटा कि जो है इरेग्युलर सेल कि जिसके अंदर जो सेल प्रेजेंट होते हैं वो इरेग्युलर होते हैं फोर्थ है पैरासाइटिक कि जिसको रूबियसिस स्टोमेटा कहा जाता है दे आर पैरल सेल देन एक्टिनोसाइटिक रेडिएट सेल एंड द फाइनल वन दैट इज ए ग्रेमिनियस स्टोमेटा तो इतने स्टोमेटा हमें डिटेल में स्टडी करने हैं शुरुआत करते हैं डायसाइटिक कि जिसको हम कहते हैं कैरियोफाइलेसियस और क्रॉस सेल स्टोमेटा तो डायसाइटिक स्टोमेटा का ये जो डायग्राम है वो उसके ऊपर आप अच्छे से ध्यान रखिए तो द स्टोमा इज ए कम्प्लाइंस बाय टू सबसाइडरी सेल कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सबसाइडरी सेल कि जो एक टाइप के कैसे सेल है एपिडर्मल सेल दे आर वन टाइप ऑफ एपिडर्मल सेल तो एपिडर्मल सेल का ही टाइप है बट जो कहा जाता है नेबरिंग नेबरिंग सेल की जिनको नेबरिंग सेल भी कहा जाता है कि जो गार्ड सेल के आसपास होते हैं तो यहां पे मैं जी लिखता हूं तो जी मतलब आपको समझ जाना है जी इट मीन्स द गार्ड सेल फिर ये वाला जो पोर्सन है उसके आसपास का ये सबसाइडरी सेल और फिर ये एपिडर्मल सेल तो इतना आप अच्छे से अभी याद रखो और हम देखते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन अब तो द स्टोमा इज एक्म्पलाइज बाय टू सबसाइडरी सेल द लॉन्ग एक्सिस ऑफ विच इज एट राइट एंगल्स टू दैट ऑफ द स्टोमा। अब देखो ये है स्टोमा का पोर्सन और सबसाइडरी सेल इस तरह के सेट है कि उनकी ये जो एक्सिस है कि कि समझो यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो उनकी जो एक्सिस इस तरह से निकल रही है तो ये जो स्टोमा है तो स्टोमेटा में से भी मैं समझो कि एक लाइन यहां पर ड्रॉ करता हूं तो इस तरह से होगा राइट एंगल 90 डिग्री सेल्सियस कि ये स्टोमा और ये उसकी एक्सिस जा रही है फिर से देखो कि ये वाली जो एक्सिस जो मैं यहाँ पे बना रहा हूं और ये स्टोमा तो वहां पे बनेगा ये राइट एंगल्स और जिसको कहा जाता है डायसाइटिक और कैरिनोफाइलिसियस टाइप ऑफ स्टोमेटा दिस टाइप ऑफ स्टोमा इज ऑल्सो कॉल लेबियाटे टाइप एज इट इज फाउंड इन मैनी प्लांट्स ऑफ द फैमिली लेबियाटे लेबियाटे टाइप के स्टोमेटा भी उसको कहा जाता है बिकॉज ऐसे एक प्लांट की जिसकी फैमिली होती है लेबियाटे उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं कि लाइक वसा का तुलसी स्पीयर मिंट एंड पीपरमिंट तो दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट आई एम पी टॉपिक फॉर यू फॉर द एग्जामिनेशन के एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी पी टॉपिक जो है वो मैं कह सकता हूं कि टाइप टाइप कौन से कौन से से अंदर है फिर के स्टोमेटा के अंदर क्रिएट होता है राइट एंगल right to कि सबसाइडरी सेल्स द लॉन्ग एक्सिस ऑफ विच इज एट राइट एंगल टू बनाते हैं ये एक राइट एंगल एंड दिस टाइप ऑफ टोमेटा ऑल्सो कॉल ए लेबियाटे टाइप बिकॉज प्रेजेंट इन लेबियाटे फैमिली और ये प्लांट के उनके एग्जाम्पल के लाइक वसा का तुलसी स्पीयर मिंट एंड मिंट तो अच्छे से ये पॉइंट आप तैयार कर लो सेकंड जानते हैं एनिसोसाइटिक स्टोमेटा कि जिसको हम कहते हैं क्रूसीफेरस और अनईक्वल सेल एनिसोसाइटिक और अनईक्वल सेल तो इसका सबसे पहले जो पॉइंट है उस पर ध्यान रखिए तो द स्टोमा इज द स्टोमा सराउंडेड बाय यूजली थ्री सबसाइडरी सेल तो ये जो थ्री है उसके ऊपर आपको खास हाईलाइट करना है तो आप देखिए आपके पास ये जो स्टोमा है दिस इज द स्टोमा फिर ये उसके आसपास ये गार्ड सेल तो है ही बट जो सबसाइडरी सेल है वो टोटल तीन है कि दिस इज द वन, दिस इज सेकंड एंड दिस इज द थर्ड तो देयर आर टोटल थ्री सबसाइडरी सेल्स आर अराउंड द गार्ड सेल ऑफ द स्टोमेटा एंड विच वन इज मार्कली स्मॉलर देन द अदर्स कि जो दूसरे के कंपेयर में काफी छोटे होते हैं द स्टोमा इज सराउंडेड बायली थ्री सबसाइडरी सेल्स ऑफ विच वन इज मार्के स्मॉलर देन द अदर कि ये देखो जो दो नंबर का है वो ये वन एंड थ्री के कंपेयर में काफी छोटा है तो एक जो सबसाइडरी सेल होगा वह काफी स्मॉल होगा एज कम्पेयर टू अदर टू तो उस पर से जब आप माइक्रोस्कोप के अंडर में स्टडी करते हो तो इस पर से आपको पता चले कि ये प्लांट के अंदर एनीसोसाइटिक स्टोमेटा प्रेजेंट है या फिर स्टोमेटा पर से भी आप वो प्लांट फैमिली का आइडेंटिफिकेशन लगा सकते हैं तो दिस टाइप ऑफ स्टोला इज ऑल्सो ए सोलानसियस टाइप ये जो स्टोमेटा है उसको सोलानसियस टाइप का स्टोमेटा भी कहा जाता है एज इट इज फाउंड इन मैनी प्लांट ऑफ द फैमिली सोलानासिक सोलानासी, सोलानासी फैमिली के बहुत सारे प्लांट्स के अंदर ये स्टोमेटा पाए जाते हैं सच एज बेलाडोना के अंदर धतरा है हायोस्काइमस है स्ट्रोमेनियम एंड ऑल्सो द टॉबेको इट इज ऑल्सो फाउंड इन मेनी प्लांट्स ऑफ द फैमिली कॉम्पोजिटे तो ये है मेन इंपॉर्टेंट पिन पॉइंट सोसाइटिक स्टोमेटा के अंदर आप कितने पॉइंट्स याद रखोगे तो थ्री सबसाइडरी सेल ये खास ये आपका पिन पॉइंट आफ्टर दैट जितने भी सोलानासी फैमिली वाले प्लांट हैं वो सभी के अंदर ये एनीसोसाइटिक्स टोमेटा प्रेजेंट है एंड ऑल्सो इन द फैमिली कॉम्पोजिट है तो इतने पॉइंट्स आपको खास पिन पॉइंट करने हो, और सोलानासी प्लांट वाले जितने भी ये अलग अलग ड्रग्स है वो सब आपको अच्छे से एक लिस्ट बनाकर रखने कि जिस की जिसमें से समझे कि क्वेश्चन आता है तो आप इजीली जो है वो सॉल्व कर पाओगे नेक्स्ट है एनोमोसाइटिक और रानुन कुलासियस टाइप ऑफ स्टोमेटा की जिसको कहा जाता है इरेग्युलर सेल इरेगुलर सेल स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन बीच ऑफ द फॉलोइंग। उस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एज वेल एज रानुन कुलासियस और द एनोमोसाइटिक तो यहां पे क्या चेंजेस है वो देखते हैं कि द स्टोमा इज सराउंडेड बाय ंग नंबर ऑफ सेल वेरिंग नंबर ऑफ सेल्स इन नो वे डिफरिंग फ्रॉम दोज ऑफ द एपिडर्मल सेल्स एज इन अब ये यह जो यहां पर देखो सबसाइडरी सेल जैसा कुछ मौजूद ही नहीं है एपिडर्मल सेल ही काम करेंगे सबसाइडरी सेल का बिकॉज यहां पर नंबर ऑफ सबसाइडरी सेल्स प्रेजेंट है कि एपिडरमल सेल इज इक्वल टू सब्सिडरी सेल जिसके कारण ये देखो आप बीच में स्टोमा ये गार्ड सेल और ये एपिडर्मल सेल तो जैसे बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे कि वेरिंग नंबर ऑफ सेल्स कि काउंट करें तो वन टू तो, थ्री फोर फाइव एंड टोटल सिक्स तो टोटल छः जितने नेबरिंग सेल प्रेजेंट है गार्ड सेल के आसपास guard cell is surrounded by at least 5 to 6 epidermal cell or subsidiary cell or the neighboring cell and they are called a type of stomata for example they are present in clove opium lobelia digitalis buchu fennel henna eucalyptus and neem तो इतनी सारी ड्रग्स है तो उसके लिए कोई ट्रिक भी चाहिए और ट्रिक हमने आपके लिए तैयार रखी है वॉट इज द ट्रिक ट्रिक में आपको याद रखना है कोल्ड बी एफ हैन कोल्ड बी एफ कोल्ड बॉयफ्रेंड या फिर कोल्ड बेस्ट फ्रेंड भी आप लिख सकते हैं यहां पे चलो बेस्ट फ्रेंड रखते हैं कोल्ड बेस्ट फ्रेंड एंड इट्स नेम इन कोल्ड बेस्ट फ्रेंड है क्लाउ ओ मीन्स ओपियम एल मीन्स लोबेलिया डी मीन्स डिजिटलिस तो यह हो गया कोल्ड बेस्ट फ्रेंड का बी मीन्स बुचू एफ मीन्स द फैनल और एच ई एन तो हैना यूकेलिप्ट एन नेम तो ये ट्रिक को याद रख से करके भी आप एनोमोसाइटिक स्टोमेटा याद रख सकते हैं तो कोल्ड बेस्ट फ्रेंड हैंड ये ट्रिक आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी रिगार्डिंग द एनोमोसाइटिक और रैनगुलसिस टाइप ऑफ स्टोमेटा के जिसको हम इरेगुलर सेल स्टोमेटा भी कहते हैं नेक्स्ट इज पैरासाइटिक और रूबिजियस स्टोमेटा मीन्स पैरेलल सेल पैरेलल सेल ऐसा क्यों कहा जाता है कि देखो द स्टोमा इज सराउंडेड बाय टू सेल कि स्टोमा गार्ड सेल और ये है उसके दो सबसाइडरी सेल तो द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बीच आर पैरल टू दैट ऑफ स्टोमा कि समझो कि ये जो एक्सिस जा रही है स्टोमा में से और सबसाइडरी सेल की भी हम समझो कि एक्सिस निकाले तो दोनों एक दूसरे के कैसे हैं पैरेल जिसे के कारण उसको कहा जाता है पैरेलल सेल स्टोमेटा की जो खासकर रूबिएसियस फैमिली फेम, की रूबियासी फैमिली वाले जितने भी अलग अलग प्लांट हैं लाइक सेना एंड मैनी अदर रूबिएसियस प्लांट दिस पैरासाइटिक स्टोमेटा और डुबीएसियस स्टोमेटा के जिसके अंदर पैरेलल होते हैं एक्सिस तो पैरासाइटिक के अंदर हमने देखा पैरेलल होते हैं सबसाइडरी सेल विथ द स्टोमा फिर है एक्टिनोसाइटिक स्टोमेटा और रेडिएट सेल एक्टिनोसाइटिक तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है कि एक्टिनोसाइटिक मीनिंग इज स्टार सेल कि जिस तरह से स्टार जैसे होता है कि इस तरह से भी हम स्टार ड्रॉ करते हैं समझो तो जैसे आपको कोई स्टार दिख रहा हो इसे कि समझो कि ये सेंटर में ये एक है और उसमें से यहां पे हियर लाइक दिस तो आपको ऐसा लगेगा कि हियर दे आर क्रिएटिंग द स्टार कि जो सबसाइडरी सेल है वो इस तरह से अरेंज है कि वो एक स्टार जैसा स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म कर रहे हैं अंदर गार्ड सेल तो है ही और बीच में सेंटर में स्टोमा और फिर उसके आसपास ये एपिडर्मल सेल तो स्टोमेटा हैव ए गार्ड सेल दैट आर सराउंडेड बाय एटलीस्ट फाइव रेडिएटिंग सेल्स फॉर्मिंग ए स्टार लाइक सर्कल और ये जो पूरा सर्कल फिर हम ये करते हैं तो इट विल बी लाइक ए स्टार स्टार लाइक स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म द स्टोमा इज सराउंडेड बाय सर्कल ऑफ रेडिएटिंग सेल एज इन ऊबा उर्सी सो दिस इज योर मोस्ट आई एम पी मल्टीपल चॉइस क्वेस्ट पॉइंट दैट इज उवा उर्सी तो कौन सी ड्रग के अंदर एक्टिनोसाइटिक्स स्टोमेटा प्रेजेंट है तो दैट इज उर्सी वेरी वेरी मोस्ट आई एम पी क्वेश्चन की ये इस तरह से ये जो तैयार हो रहा है स्टोमा कि जो तैयार कर रहा है लाइक ए स्टार स्टार लाइक स्ट्रक्चर तो ये जो है एक्टिनोसाइटिक्स स्टोमेटा का मेन पिन पॉइंट तो जब ये हाईलाइट करके आप देखोगे तब आपके लिए काफी इजी हो जाएगा याद करना कि जब इस तरह से हाईलाइटर से आप हाईलाइट कर देते इवन आप स्क्रीन बनाते हैं या फिर नोट्स बनाते हैं तो उसमें भी हाईलाइटिंग करना की आदत आप जरूर से डालिए कि जिससे याद रखना काफी इजी हो जाता है और तो डायरेक्टली आपका फोकस होता है ये पिन पॉइंट के ऊपर के समझे कि आप उवा ऊर से देखते हैं तो स्टार लाइक -like आपने यहाँ पे देख लिया बाकी तो आपको कॉन्सेप्ट पता ही है कि किस तरह से स्टोमेटा बनता है बट यहाँ पे जो बात चल रही है वो है आइडेंटिफिकेशन कि आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे उसके अलग अलग टाइप्स तो एक्टिनोसाइट के बाद है एक और टाइप की वो कहा जाता है ग्रेमिनियस स्टोमेटा की जिसको कहा जाता है ग्रास लाइक ग्रास लाइक स्टोमेटा तो ग्रेमिनियस स्टोमेटा की जो स्पेशली देखे जाते हैं ग्रामिने एंड साइपरासी ऑफ मोनोकोटाइलिडॉन्स तो स्पेशली ऐसे प्लांट्स के जिसके अंदर ग्रामिने एंड सिपरासी फैमिली प्रेजेंट है तो so, उसके स्ट्रक्चर में हम देखें तो so, ये एमसीक्यू का पॉइंट बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ए लेंस सेप्ड सब्साइडरी सेल सबसाइडरी सेल तो हमें पता ही है बट कौन से सेप के तो लेंस टू लेंटमेटक आइडेंटिफाई द स्टोमेटक इवन स्टोमेटा का नाम में से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिस इज दिस इज कॉल ए और दिस टाइप ऑफ स्टोमेटा कंटेन ए टू फ सबसाइडरी सेल सो दैट इज ए ग्रामीनियस टाइप ऑफ स्टोमेटा तो ये पॉइंट अभी से हाईलाइट करूँ की जिससे आपको अच्छे से याद रहे द गार्ड सेल आर नेरो इन द मिडल एंड बुलबस ऑफ ईच एंड तो आप देखो यहाँ पे हम डायग्राम के अंदर देखते हैं तो यह है गार्ड सेल वो तो हमें पता ही है कि यह स्टोमा और उसके आसपास रहे ये गार्ड सेल और ये है सबसाइडरी सेल दिस इज एस तो जैसे लेंस होता है क्या आप देखो इस तरह से ये एक लेंस और ये दूसरा लेंस तो लेंस सेप के दो सबसाइडरी सेल यहां पे प्रेजेंट है द गार्ड सेल आर नेरोवर इन द मिडल एंड बुलबस ऑन ईच एंड बुलबस जैसा ये बना रहे है हर एक एंड के ऊपर दिस मिडल सेक्शन इज स्ट्रॉगली थेक्ड काफी थीक होता है ये मिडल पोर्सन एंड द एक्सिस ऑफ द सबसाइडरी सेल्स आर पैरल टू द स्टोमा ओपनिंग तो ये थे मेन टाइप्स ऑफ अस्टोमेटा की जो काफी वेरी वेरी मोस्ट टाइम पी कह सकते हैं हम एग्जाम के लिए फिर अब पूछा जाता है स्टोमेटल नंबर कई में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वॉट इज स्टोमेटल नंबर तो द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वेर एमएम तो दिस इज योर एम सी क्यू पिन पॉइंट कि जब डेफिनेशन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द स्टोमेटल नंबर तो फर्स्ट पॉइंट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमा पर स्क्वेयर एम एम कि यहाँ पे समझे कि वन एम है यहां पे भी वन एम है यहां पे भी वन एम और ये एरिया के अंदर जितने स्टोमाटा प्रेजेंट है और कितने एपिडर्मल सेल है उस पर से मैं एक इक्वेशन तैयार करूँगा और पर mm में मुझे जितने स्टोमेटा मिलते हैं उसको मैं कहूँगा उसका स्टोमेटल नंबर इट इज ऑफ लिटल वैल्यू इन डिस्टिंग यूज बिटवीन क्लोजली एलाइड स्पेसिस क्लोजली एलाइड स्पेसिज होती है उनको एक दूसरे से डिस्टिंग यूज करने के लिए डिफरेंशिएट करने के लिए हम स्टोमेटल नंबर फाइंड आउट करते हैं तो स्टोमेटल नंबर के बाद इंपॉर्टेंट है स्टोमेटल इंडेक्स तो इट इज द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टोमेटा इन सर्टेन एरिया टू सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल एंड स्टोमेटा टूगेदर इन यूनिट एरिया तो यहाँ पे अब एक एमएम mm जैसी कंडीशन नहीं है फाइव एम एम एंड दिस साइड ऑल्सो द फाइव मिलीमीटर अब यहाँ पे मुझे जितने भी स्टोमेटा मिलते हैं एंड जितने भी एपिडर्मल सेल मिलते हैं तो उनका मैं एक रेशियो निकालूंगा और फिर जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो कहूंगा मैं स्टोमेटल इंडेक्स इज ए कॉन्स्टेंट फॉर गिवन स्पीसीस किसी भी स्पीसीज के लिए ये स्टोमेटल इंडेक्स जो है वो कैसा होता है कॉन्स्टेंट और उसका जो फॉर्मूला है स्टोमेटल इंडेक्स इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय ई प्लस एस इन टू हंड्रेड की जहाँ पे एस मतलब स्टोमेटल इंडेक्स स्टोमेटल इंडेक्स एस आई जहाँ पे एस है नंबर ऑफ स्टोमेटा एस इट मींस द नंबर ऑफ स्टोमेटा एंड ई इट मीन्स द एपिडर्मल सेल्स एपिडर्मल्स सेल और ये जो वैल्यू होती है कांस्टेंट फॉर ए गिवन स्पीसीज और सेम यूनिट एरिया के अंदर जितने एस एंड ई प्रेजेंट होते हैं उसको उसका कहा जाता है स्टोमेटल इंडेक्स लाइक कोई एम हम देखते हैं कि इन माइक्रोस्कोपी ऑफ वसा का परसेंटेज नंबर ऑफ स्टोमेटा एस आर टेन एंड टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल आर फिफ्टीन सो फाइंड आउट इज स्टोमेटल इंडेक्स तो समझो कि हमें ये चार अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं और उसमें से करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है तो वो रहेगा फॉर्टी तो फॉर्टी की कैलकुलेशन हम इस तरह से कर पाएंगे कि ये है हमारा फॉर्मूला कि एस इज इक्वल टू एस आई इज इक्वल टू एस आई इज इक्वल टू कैपिटल एस डिवाइडेड बाय ई प्लस एस इन हंड्रेड तो फार्मूला के अकॉर्डिंग टू हमारे पास एस की वैल्यू दी है एस इज इक्वल टू टेन है एंड ई इज इक्वल टू है फिफ्टीन सो so, समझो कि यहाँ पे मैं इक्वेशंस के अंदर ये वैल्यूज रख देता हूँ तो एस आई इज इक्वल टू क्या होगा एस मतलब कि एस की वैल्यू है दस डिवाइडेड बाय दस प्लस पंद्रह इंटू हंड्रेड तो दस बाय होगा नीचे ट्वेंटी फाइव इंटू हंड्रेड तो ट्वेंटी फाइव इंटू फोर तो टेन इंटू फोर इज इक्वल टू आंसर आएगा फोर्टी तो आगे आप मैथमेटिकली भी कर सकते कि एक हजार बाय ट्वेंटी फाइव भी कर सकते हैं ऐसे भी आंसर 40 ही आएगा इस तरह से आपका कंफर्म होगा कि स्टोमेटल इंडेक्स जो है वो फॉर्टी है ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट तो ये था हमारा डिटेल टॉपिक रिगार्डिंग द स्टोमेटा जरूर से व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करिए एंड ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स टेलीग्राम फेसबुक इंस्टाग्राम जिससे आपके फ्रेंड्स भी ये कंटेंट को एक्सेस कर सके व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन करिए Channel ko subscribe Korean and also use their Pharma Rocks, Android app on Google Play as well as Apple iPhone app on App Store. Get the links in a description box and access the study material, test series and video lecture. So, good luck and all the best.